नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त मैं बदरपुर विधानसभा में हूं और हमारे साथ मीठापुर वार्ड से जो पार्षद हैं उनके पति महेश अवाना जी हैं, पार्षद प्रतिनिधि हैं ये इस क्षेत्र के। और इस क्षेत्र में एक समस्या जो दिन ब दिन उभरती जा रही है, पूरे बदरपुर में आए दिनों तोड़फोड़ होती है और तोड़फोड़ की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई सामने नहीं आते हैं। तो कौन तोड़फोड़ का जिम्मेदार है, इसके बारे में हम अवाना जी से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अवाना जी। सबसे पहला सवाल तोड़फोड़। थैंक यू। सबसे पहला सवाल आपने जो किया है तोड़फोड़ के बारे में, तोड़फोड़ MCD का जो पार्षद है, चाहे मेरा वार्ड हो चाहे अन्य वार्ड हो, इसमें केवल MCD को दोषी मानना, MCD के प्रति इस तरह से देखना कि भाई MCD तोड़फोड़ करती है, इसमें MCD दोषी नहीं है। दिल्ली में शीला दीक्षित की कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम उन्होंने STF का गठन किया था। STF का जो मेन चेयरमैन होता है वो दिल्ली का CM होता है। उसके बाद जो क्षेत्रीय विधायक कहीं का भी हो वो उसका सदस्य होता है। पुलिस भी इसमें सदस्य होती है। इसमें SDM डिपार्टमेंट से भी SDM भी सदस्य होता है, इसमें DC भी इसमें सदस्य होता है, और इसमें MCD, क्योंकि जिस क्षेत्र में MCD का एरिया आता है वहाँ MCD को आदेश मिलता है STF के द्वारा कि आपके क्षेत्र में अनऑथराइज कॉलोनी बन रही है, इसको हटाया जाए। STF का गठन जो है वो कांग्रेस के राज में ख़त्म हो गया था, लेकिन दोबारा से जब ये सरकार आम आदमी की चुनकर आई तो केजरीवाल ने STF का गठन दोबारा से कर दिया। यहाँ के विधायक बार बार कह रहे थे STF कोई नहीं है, STF हमने नहीं गठन किया, हमने ये नहीं किया, तो STF का मामला सीधा सीधा हो गया तोड़फोड़ से। अब MCD, क्योंकि MCD का क्षेत्र है, MCD का क्षेत्र है तो MCD को तो आदेश करेगी STF, और उस आदेश अगर DDA है वहां तो DDA वहां जाएगी तोड़ने के लिए, और DDA के एरिया में अगर MCD का एरिया है तो DDA थ्रू STF इनको आदेश कराएगी, इनको जाना पड़ेगा तोड़ने। अवाना जी, खबरें आजकल ये भी चल रही है कि कुछ पार्षद लेटर लिख रहे हैं, क्या संदेश देंगे वो, क्या लेटर क्या है? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। विधायक जी जिस मोलरबंद एक्सटेंशन में रहते हैं उसके अंदर, उस कॉलोनी के अंदर कितने मकान बन रहे हैं? अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। यहाँ जो नहर के इस पार का एरिया जहां आप बैठे हो, इस एरिया में एक जोन ओ लागू हुआ, यानी यमुना के हिसाब से। मुझे आप एक बात बताइए, अनऑथराइज यमुना के अंदर प्लॉटिंग हो रही है। नारायण दत्त यहां के विधायक हैं, ये काम एक निगम पार्षद का क्या रोकने का? टैंकी रोड पर आप जाइए, अभी नरसिंह साहा ने 1-2 हजार गज के लगभग प्लॉट बेचा किसी व्यक्ति को। उस प्लॉट के अंदर छोटे छोटे प्लॉट काटकर बेचे जा रहे हैं और वहां मकान बनने शुरू हो गए हैं। मेरा ही वार्ड है, मेरे ही वार्ड में ये सब कुछ चल रहा है। आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, मेरे ही वार्ड में चल रहा है, टैंकी रोड पे चल रहा है, जिसके अंदर SDM के यहां से तहसीलदार आते हैं, उसको सील करके जाते हैं सरकारी तौर पे, और नारायण दत्त का हिस्सा तय होता है उसमें 1727 गज जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी उनके साथ रहने वाले मीठापुर के अनिल शर्मा के नाम पर है। आप ये डॉक्यूमेंट्स, आपको पता लग जाएगी किसके नाम पे हैं। क्या इसके बारे में आपके चैनल के माध्यम से या किसी और चैनल के माध्यम से या कहीं किसी स्पीच में या कहीं किसी तरीके से कभी नारायण दत्त ने कहीं मंच से इस बात को कहा है? तो मैं आज आपको एक बात कह रहा हूं, ये लेटर फ्रॉड साबित होगा जो शुक्ला जी के यहां से एक मुद्दा बना रहे हैं। MLA ने उस लेटर को क्यों फटाफट बयानबाजी कर दी?
आप बताइए जो ये 2000 गज का प्लॉट बिक रहा है इसके बारे में बयानबाजी क्यों नहीं हो रही है? एमएलए इसके बारे में क्यों नहीं बोल रहा? सीधा सीधा हिस्सा है इसका। खड्डा कॉलोनी में स्कूल बन रहा है जिसको लेकर विधायक जी ने ये कहा कि उस काम को एसएचओ द्वारा रोका गया, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात तो मुझे हंसी इस बात पर आती है कि विधायक कहते हैं मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा, उनको काम को कौन रोक सकता है? मैं यहाँ का काउंसलर हूँ, जो मेरे अधीन काम है मुझे कौन रोक सकता है? मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे अपने काम को करने की पूरी आज़ादी है। मैं उस काम को करूंगा जो मेरे तहत आता है, जो कानूनन मेरे तहत आता है, उसको किसी में दम नहीं कि मेरे कार्य को रोक के खड़ा कर दे। मतलब ये एक तरह से अपने आप को नपुंसक साबित करने वाली बात है। ये नपुंसक लोग हैं इस तरह से बात करते हैं कि भाई मुझे काम करने नहीं दिया रहा। आप विधायक हो, फिर किस बात के विधायक हो आप? जब आप काम नहीं कर सकते तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते, रिजाइन क्यों नहीं कर देते विधायक की सीट से, जब आपको लोग काम नहीं करने दे रहे? तो आवाना जी, मैं छोटा सा सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब विधायक जी इस तरह के वसूलों से हट करके काम कर रहे हैं तो बार बार आपका मिलना जुलना उनसे क्यों होता है? देखिए, हमारी अगर किसी व्यक्ति से कोई लड़ाई है, इसको राजनीतिक लड़ाई हम कह सकते हैं, धार्मिक और सामाजिक जो कार्य होते हैं उनमें सभी लोग शामिल होते हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी की बेटी की शादी हो या किसी के बेटे की शादी हो या किसी के यहाँ पे कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, अगर कोई इनवाइट करेगा तो वहाँ हम लोग जाएंगे। सामने से कोई व्यक्ति मिलता है, अगर दुआ सलाम होती है तो उस दुआ सलाम का मतलब ये नहीं है कि हम लोग अंदर से काम के प्रति लापरवाह हैं या हम कोई दुनिया को दिखावा कर रहे हैं। हम मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं कि क्षेत्र में जो कार्य, जिस कार्य को करने के लिए समाज ने, जनता ने हमें चुनकर भेजा, उस कार्य को हम पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हमारा फोकस रहता है उस लड़ाई पे, हम उस लड़ाई को फोकस करते हैं, क्योंकि जब विधायक के पास काम करने के लिए जो जो हिस्सेदारी है, उस हिस्सेदारी में जो वो काम करा सकते हैं उस काम को वो क्यों नहीं कराते? लड़ाई मुद्दा हमारा ये है। मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ आपसे कि जब मकान बनाए जाते हैं, जब नींव रखी जाती है, जिस टाइम मकान बनाने की शुरुआत होती है, अगर उसी टाइम लोगों को मना किया जाए कि भाई आप मकान मत बनाइए, टूट सकता है आगे को, तो लोग थोड़ा सा ये हो सकते हैं कि उस पे कम पैसा लगाए। जब पैसा लगा दिया जाता है, जब वो बना लेते हैं, उसके बाद कार्रवाई के तहत उसको तोड़ दिया जाता है, जिससे यहाँ की जनता बहुत दुखी है, क्या आश्वासन देंगे आप ऐसे लोगों? देखो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे शब्दों की जो बात है उनको समझने की कोशिश करना। एक बाग होता है, उसका मालिक कौन होता है? माली, जो बाग को सींचता है। बाग का जो मालिक असलियत में होता है वो माली होता है, जो उसको देख रेख करता है। मालिक कोई भी हो सकता है, लेकिन जो मौके पर जो उसकी देखरेख करे, जैसे कि किसी बच्चे को उसकी माँ ना पाले, उसकी धाय पाले, तो मैं ये कह सकता हूँ कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिसके तहत कोई भी ज़मीन आती है, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो हरियाणा की हो, चाहे देश के अंदर कहीं की भी जगह हो, उसका सबसे पहले अगर कोई देखरेख करने वाला है या उसमें कोई गलत काम हो रहा है, तो उसको सबसे पहले पटवारी, तहसीलदार, कानूनगो, ये एसडीएम, डीसी, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसका मालिक होता है। नारायण दत्त को ये कह देना कि दिल्ली पुलिस मेरे अधीन नहीं है। जब आपका डीसी या आपका एसडीएम लिखेगा एसएचओ को कि फला जगह गलत काम हो रहा है, ये जमीन एग्रीकल्चर है या ये जमीन अनऑथराइज बन रही है, तो क्या पुलिस उस आदेश को मना कर देगी? तो ये कहना कि पुलिस मेरे अधीन नहीं है, ये सरासर लोगों को पागल बनाना, लोगों को मूर्ख बनाना, ये नारायण दत्त का काम है। लेकिन लोग मूर्ख नहीं बनते, लोग चुपचाप बैठ के तमाशा अभी देख रहे हैं इसका। आने वाले समय में पता लग जाएगा कि भाई नारायण दत्त क्या है। मुझे आप बताइए, आप एक 40 गज के प्लॉट में रहते थे, आपने अब 100 गज का प्लॉट बना लिया या 80 गज का बना लिया, तो आपने क्यों बना लिया भाई? आदमी कमाएगा
तो आगे बढ़ेगा। आरोप प्रत्यारोप के दौर में अभी बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं, आप जैसे काउंसलरों पे आरोप भी लगे हैं, उन आरोपों के बारे में आप क्या कहेंगे? कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो सरकार ने कानून बनाया, उस कानून का कुछ महिलाएं गलत इस्तेमाल भी करती हैं। मेरा आज भी, मैं उस बात को दोबारा से आपके सामने रिपीट कर रहा हूं, कुछ महिलाएं, कुछ में कितनी होती हैं, 2% 2% 4% 100 में से 1-2 महिला ही तो हो सकती हैं। मैंने यही तो कहा, कुछ महिलाएं। शुक्ला जी के बारे में मैं जहां तक जानता हूं, शुक्ला जी इस तरह के व्यक्ति नहीं हैं। हां, कहा सुनी हो गई होगी, मैं मुझे यह भी नहीं पता कि कहा सुनी हुई है, लेकिन कहा सुनी आपस में हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन शुक्ला जी के विचार, शुक्ला जी की जो बात है वो गलत नहीं हो सकती। वो किसी औरत का अनादर नहीं कर सकते, मैं फिर कह रहा हूँ आपको। चलते चलते क्या संदेश देंगे आप क्षेत्र के विकास के लिए? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी पत्नी पिछले 4-5 महीने से बीमार चल रही है, ये एक सच्चाई है। जी जी, मजबूरी है, बीमारी तो किसी के बस में नहीं है, उनका इलाज। लेकिन आप बखूबी उनके कामों को, मैं बताता हूँ, वही बताने जा रहा हूँ। उनकी जगह पर उनके लेटर्स वगैरह जहाँ भी हमें भेजने होते हैं, हम टाइप करा के उनके साइन करा के हम भेजते हैं। उनके हमारे पास कोई अगर शिकायत आती है किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो हम लेटर भेजते हैं। और इतना भी है कि मैं पहले यहाँ से 2007 से लेकर 2012 तक पार्षद रहा इस एरिए से, जहाँ अभी काउंसलर का मेरा एरिया, इससे ये एरिया करीब करीब आधा हिस्सा इसमें से निकल चुका है, आधा, क्योंकि यहाँ पहले 2 वार्ड थे, 2 के 3 हो गए। जी जी जी। तो आधा हिस्सा मेरा भी गया, तो आधा जैतपुर का भी गया है। आप क्षेत्र में जाएं, आपको पता लग जाएगा कि किस पार्षद ने कौन से समय में सबसे ज्यादा कार्य इस क्षेत्र में किया, मीठापुर वार्ड में। ये मैं आपको कह सकता हूँ, काम का मतलब है काम। टैंकी रोड की आपने पीछे बात करी थी, टैंकी रोड को लगभग 2 साल बनते बनते हो गए, अभी टैंकी रोड पे कोई ज़्यादा काम हुआ नहीं। मेरे ख्याल से 50% काम हो गया होगा, वो भी सिर्फ नाले का है, सड़कों का इसमें टेंडर ही नहीं है। और ये करीब करीब 3.25 करोड़ का मैटर है, 3.25 करोड़ में केवल दोनों तरफ की नालियाँ हैं, और जबकि रामवीर सिंह विधूड़ी ने अपने समय में 1 करोड़ 28 लाख रुपए में ये रोड कंप्लीट 10-12 इंच मोटा और दोनों तरफ के नाले तैयार कराए थे। जो लोग कहते हैं कि 31 मार्च तक समय दिया कि 31 मार्च तक मैं टंकी रोड को बिल्कुल एकदम दुरुस्त कर दूंगा और फर्राटे से उस पर गाड़ी चलेंगी, अब ये तो मैं अब आपको यही कह सकता हूँ, या तो ये नारायण दत्त जाने, वो नारायण तो सबकी सुनते हैं, लेकिन ये नारायण जो है ना सबकी नहीं सुनते। हम बात कर रहे थे महेश अवाना जी से, इन्होंने बताया कि इस वार्ड में पार्षद तो बखूबी काम को अंजाम दे रहे हैं, अपने काम को अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन विधायक महोदय अपने कामों के जरिए इस क्षेत्र में आज तक एक भी विकास का कार्य नहीं कर पाए हैं। मजा तब आएगा जब पार्षद और विधायक दोनों अपने अपने कामों को अच्छी तरह से उस वार्ड में या विधानसभा में करें। होता क्या है कि आने वाले समय में नारायण दत्त शर्मा जी जो बदरपुर के विधायक हैं, वो अपने कामों को बखूबी अंजाम देते हैं, अच्छा कार्य इस क्षेत्र को देते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं अभिषेक कुमार, मोबाइल न्यूज 24, बदरपुर, दिल्ली।